अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करने लगे हैं हमारी हिपेटिक मेडिसिन का अगला टॉपिक विच इज एसआईटीज। तो आप लोगों को पता है कि एसआईटीज कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन जो बहुत सारी डिजीजेस में प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि पेशेंट कहते हैं उसके पेट में पानी पड़ गया है। तो ये जो फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी होती है, इसको एसआईटीज कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास अगर पेरिटोनियल कैविटी में बहुत थोड़ा सा फ्लूइड आ जाए जो कि पता नहीं चलता, तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ता और वो नॉर्मली आपका लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह एब्जॉर्ब करके ले भी जाता है। लेकिन जब आपका फ्लूइड मोर देन 1 लीटर कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो पता चलना शुरू हो जाता है और उसको फिर हम उससे ज्यादा जितना भी होगा उसको एसआईटीज कहेंगे। और उसमें हमारे पास जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, आपको पता है, एक तो ये कि ज़ाहिर है पेशेंट को क्योंकि मेरा पेट बहुत उभरा हुआ है, सूज जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फ्लूइड थ्रिल होता है और एक शिफ्टिंग डलनेस होता है। फ्लूइड थ्रिल टेस्ट तब करते हैं जब हमारे पास पूरा के पूरे पेरिटोनियल कैविटी में दोनों साइड्स पे एब्डोमेन के, मतलब फुल एब्डोमेन आपका फ्लूइड से भरा हुआ होता है, तो उसमें हम जब एब्डोमेन की एक तरफ हाथ रख के दूसरी तरफ से ऐसे टैप करते हैं, तो जिस तरह आपको पानी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो एक थ्रिल फील होती है, मतलब एक लहर जाती है, वो लहर आपको इस हाथ पे फील होगी। ठीक है, वो फ्लूइड थ्रिल कहते हैं। लेकिन तभी होगा जब आपकी दोनों तरफ पूरे एब्डोमेन में ज्यादा फ्लूइड कलेक्टेड होगा, तब फ्लूइड थ्रिल एलिसिट होता है। दूसरा टेस्ट होता है वो शिफ्टिंग डलनेस होता है। शिफ्टिंग डलनेस तब टेस्ट पॉजिटिव होता है जब आपके पास किसी एक साइड पे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्टेड है, पूरे अगर फ्लूइड से भरा होगा तो शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव नहीं होती। शिफ्टिंग डलनेस भी आपको पता है कि उसमें हम पहले पेशेंट की एक साइड पे परकशन करते हैं जहां पर हमें फ्लूइड फील होता है, हम पेशेंट को दूसरी तरफ लिटा देते हैं, तो फिर वो फ्लूइड दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जाहिर है यहां पर डलनेस खत्म हो जाएगी। तो दोनों की आपने इंडिकेशन याद रखनी है, दोनों डिफरेंट है, दोनों फ्लूइड के लिए। लेकिन फ्लूइड थ्रिल पूरा एब्डोमेन जब पेरिटोनियल कैविटी भरी भी होगी तब पॉजिटिव होता है, शिफ्टिंग डलनेस जब थोड़ा सा होगा एक साइड पे तब पॉजिटिव होगा। रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, इन एनी केस आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी, इस वजह से रुक गई मैं इस पे, कि हमारे पास ये फ्लूइड कलेक्ट होता क्यों है। तो आपकी डिफरेंट तरह की डिजीजेस होती है जिसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको पता है कि 2 मेजर मैकेनिजम्स होंगे फ्लूइड कलेक्ट होने के। एक तो ये कि जब भी फ्लूइड ने कलेक्ट होना है उसका मेजर मसला यही, मतलब एक मेजर जो मसला, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको पता है कि आपकी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे एरिया की जो वीनस सप्लाई है वो थ्रू योर पोर्टल वेन जाती है टुवर्ड्स लिवर, ऐसे ही है। और लिवर से फिर ये चीज जो सारा का सारा वीनस ब्लड है वो हिपेटिक वेन्स के थ्रू आपके इन्फीरियर वेना कैवा में या हार्ट में चला जाता है। तो आपकी पूरी जीआईटी की वीनस सप्लाई, ये जो लोअर पोर्शन ऑफ जीआईटी सारा है, सबका वीनस सप्लाई इस पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जा रही है। अगर लिवर में कोई मसला होता है, लिवर सिरोसिस होता है, कोई ऐसा मसला होता है जिसकी वजह से ये जो वीनस ब्लड जा रहा था, ये वीनस ब्लड अब आराम से नहीं जा पाता, बल्कि बैक फ्लो बैक प्रेशर इस ब्लड में इंक्रीज होने लग जाता है। अब जब प्रेशर इस ब्लड में पोर्टल वेन में इंक्रीज होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जब आपको पता है, हमने पढ़ा था कि प्रेशर आपकी वेसल्स में ब्लड का इंक्रीज होने लग जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वो फ्लूइड जो बाहर निकलता है वो बाहर आपकी एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया में कलेक्ट होता है, विच इज योर इंटरस्टीशियल एरिया, और इस केस में वो आपका पेरिटोनियल कैविटी है, तो उससे एसआईटीज डेवलप होती है। तो दो जो मेजर मैकेनिज्म है ना आपके एसआईटिक फ्लूइड के, एक को हम कहते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड और एक होता है आपका ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। पहले इस बात को समझ लें, याद रखना कि हमारे पास पहली बात तो है कि एक्सुडेटिव फ्लूइड वो होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन की अमाउंट ज्यादा होती है, आसान तरीन लफ्जों में बता रही हूँ, ठीक है। और ट्रांसुडेटिव होता है जिसमें प्रोटीन और सेल काउंट लेस होता है, प्रोटीन भी लेस होती है, प्रोटीन का मतलब एल्ब्यूमिन है, और जनरली सेल काउंट भी इसमें कम होगा। अब आपको पता है, हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास जो वेसल्स हैं नॉर्मल हालात में, उनके दरमियान में जो नॉर्मल अगर कैपिलरीज, क्योंकि आपको पता है कि एंडोथेलियल लाइनिंग होती है कैपिलरीज की, चलो कैपिलरीज की बात कर लें, तो इतनी जगह उन कैपिलरीज के दरमियान में नॉर्मली नहीं होती कि कोई भी चीज निकल के चली जाए बीच में से। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इतनी जगह बन जाएगी कि वाटर, यानी कि जो आपका फ्लूइड है, वो निकल के बाहर चला जाए और बहुत स्मॉल वाले जो माइन्यूट साइज पार्टिकल्स वो भी चले जाए। लेकिन याद रखना, जब वेसल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो भी जाता है, उसके बावजूद भी आपके वेसल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स ही निकल के बाहर चले जाते हैं, कभी भी जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं वो एकदम से फिल्टर होकर बाहर नहीं जाते, जितना मर्जी प्रेशर ज्यादा हो जाए। और बड़े साइज के पार्टिकल्स में क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन आर लार्ज इन साइज, तो इस वजह से प्रेशर इंक्रीज होने पर ये चीजें फिल्टर आउट नहीं होती। तो लेकिन फिर ये चीजें कब फिल्टर आउट होती हैं, जब आपका कोई ऐसा मसला हो जो बाकायदा आकर आपके वेसल की वॉल को इफेक्ट कर रहा है, और वेसल की वॉल के बीच में जो जंक्शन है उनको लूज कर रहा है, जिसकी वजह से उनके दरमियान में गैप इंक्रीज हो गया। जब ऐसी कोई चीज होती है तो वेसल की वॉल का गैप जब सेल्स का इंक्रीज होता है,
फिर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो निकल के बाहर जाएगी और ये भी आपका फ्लूइड का पार्ट बन जाएगी। इससे आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इन द वेसल्स को इंक्रीज कर रही है, वो चीज हमेशा आपका जो फ्लूइड उसके रिजल्ट में बाहर निकलेगा वो ट्रांसुडेटिव होगा। मतलब ये कि वो फ्लूइड हमेशा लेस इन प्रोटीन्स एंड लेस इन सेल्स होगा, क्योंकि उसकी वो सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बाहर निकला है और जो स्पेसेस थी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई भी ऐसा कंडीशन जो आपकी वॉल ऑफ द वेसल को इफेक्ट करके उसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से स्पेसेस इंक्रीज हो जाती है, उसके रिजल्ट में जो फ्लूइड बनेगा वो रिच इन प्रोटीन एंड एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा। और वो क्या कंडीशन होती है? मेजरली इन्फेक्शंस एंड मलिग्नेंसीज। ठीक है, इन्फेक्शन होंगे, ट्यूबरक्लोसिस होता है आपके पेशेंट को, वो आपकी वॉल्स ऑफ वेसल्स को इफेक्ट करते हैं। मलिग्नेंसीज होती है, मलिग्नेंसी के रिजल्ट में बहुत रैपिड टर्न ओवर ऑफ द सेल्स होता है, जिसकी वजह से वॉल ऑफ द वेसल की पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहला तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव फ्लूइड में किस तरह से बनता है, मतलब हम क्या कहते हैं कि कब ट्रांसुडेटिव होगा और कब एक्सुडेटिव होगा। इसीलिए जो आपका सबसे मेजर कॉजेज होते हैं ना एसआईटीज के, जिसमें लिवर सिरोसिस है और आप दूसरा होता है कार्डिक फेलियर, मेजर दो कॉजेज होते हैं। कार्डिक फेलियर में भी क्या हो रहा होता है कि जब हार्ट पंप करना फेल कर देगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, तो सारा प्रेशर पीछे की तरफ जितनी भी वेन्स है उनमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड, क्योंकि पूल कर जाता है वेन्स में। वेन्स में जब ब्लड पूल करेगा और प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड बाहर आएगा, प्रोटीन्स नहीं आएंगे, तो ट्रांसुडेटिव होगा इन नेचर। ठीक है, इस तरह लिवर सिरोसिस में जब लिवर काम करना छोड़ देते हैं तो बैक फ्लो इंक्रीज होती है, बैक प्रेशर पोर्टल वेन में, तब भी आपका जो फ्लूइड है वो ट्रांसुडेटिव होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास मैंने आपको क्या बताया कि जो मलिग्नेंसीज होंगे कोई भी लिवर की या जो इन्फेक्शन होंगे ट्यूबरक्लोसिस, उसमें एक्सुडेटिव आएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो भी फ्लूइड आता है इसका मतलब अगर खास पर्टिकुलरली मैं बात करूं लिवर में, क्योंकि हम एसआईटीज की बात करें ना, ये तो जनरली हमने फ्लूइड की बात करी, तो एसआईटीज के जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो सबसे मेजरली यही होता है कि आपका आगे लिवर में सिरोसिस है, लिवर में सिरोसिस के रिजल्ट में पीछे पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हुआ। दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लिवर में सिरोसिस है, लिवर अपने फंक्शंस भी परफॉर्म सही से नहीं कर रहा, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि हमारी बॉडी कि जब बैक फ्लो इधर प्रेशर की ब्लड की इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ब्लड आगे हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, जाहिर है इस ब्लड ने जिसने हार्ट की तरफ जाना था वो हार्ट की तरफ नहीं वापस जा रहा, और काफी ज्यादा ब्लड होता है, हार्ट में जब ब्लड कम जाएगा तो जाहिर है हार्ट का कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो जो रीनल एरिया है या रीनल वेसल्स है उनकी ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर है ब्लड ने हार्ट में जाना था तो हार्ट ने सब मैनेज करना था, हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम हुआ, रीनल वेसल्स में परफ्यूजन कम हुई। किडनी में जब परफ्यूजन कम होती है रीनल वेसल्स में, तो आपको पता है कि वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करती है कि ये आपका ना सिर्फ ये एक्टिवेट होती है बल्कि साथ एल्डोस्टेरोन को भी एक्टिवेट करती है, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम तीनों मिलकर वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज है क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड कम आ रहा है, सारा का सारा प्रेशर इधर डेवलप हुआ है पोर्टल वेन में। अब दो तरह से खराबी शुरू हुई है, एक तो ये कि पहले ही पोर्टल वेन में प्रेशर ज्यादा था, उस प्रेशर को देखते हुए लोकल वेजोडायलेटर्स रिलीज हो रहे थे यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, जो कि क्या कर रहे थे कि इस वेसल के डायमीटर को इंक्रीज कर रहे थे, तो इधर मजीद डायलेशन हो जाती है, साथ ही ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शिफ्ट होना लग गया था, पोर्टो सिस्टेमिक शंट्स बनने लग जाते हैं खुद बहुत, लेकिन चलो वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी होते हैं बल्कि इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है, सुफिजल वेरिसीज हो जाते हैं उस वजह से। लेकिन अभी हम एसआईटी की अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है कि लोकल वेजोडायलेटर्स यहां रिलीज होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि यहां पर वेसल्स की डायलेशन कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड को बर्दाश्त कर सके। तो आपका एक तो यहां पर ये मैकेनिज्म है जो कि इस जगह पर पूरी आपकी पेरिटोनियल कैविटी में बहुत ज्यादा ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज किए हुए, उसके साथ ये जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन था इसने वाटर और सॉल्ट रिटेंशन करके मजीद ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश कर दी है। तो ये सारी की सारी चीजें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, तो मतलब सारी सी बात है जिस वेसल पे प्रेशर पड़ा हुआ होगा उसमें से फ्लूइड निकल निकल के बाहर आएगा एंड इट विल लीड टू एसआईटीज। तो हमारे जो लिवर से रिलेटेड जो एसआईटीज होती है उनका मेजर मैकेनिज्म ये होता है। फिर हम इसको किस तरह से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड हमारे लिए बहुत ही अच्छी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है खासतौर पर ओबीस लोगों में, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि फ्लूइड थोड़ा है या ज्यादा है और पेरिटोनियल कैविटी में पड़ा हुआ, उसकी हमें कंडीशन वगैरह पता चल जाती है। पैरासिंथेसिस ऑफ फ्लूइड हम तब करते हैं, पैरासिंथेसिस का मतलब होता है कि फ्लूइड एस्पिरेट कर लेना, जब हमें उसको देखना हो, उसकी नेचर को चेक करना है कि उसमें ट्रांसुडेट कितना, उसमें सेल कितना है, उसके एनालिसिस करना है, तो उसके अलावा पैरासिंथेसिस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको अक्सर औकात मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है प्लूरल फ्यूजन भी साथ पेशेंट्स को डेवलप हुई भी होती है, यानी प्लूरल कैविटी में भी फ्लूइड होता है, तो वो भी आपके साथ एड्रेस करना होता है। अच्छा, अब देखने के लिए कि एल्ब्यूमिन कंटेंट कितना है आपकी एसआईटीज में, जाहिर है उसके लिए आपने पैरासिंथेसिस की और आपने देखा कि प्रोटीन कंटेंट कितना है एसाइटिक फ्लूइड में।
अगर आपका प्रोटीन कंटेंट 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है, ये एसाइटिक फ्लूइड की बात करी हूँ, एसाइटिक फ्लूइड में अगर आपका प्रोटीन कंटेंट 11 से ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज गोइंग टूवर्ड्स योर एक्सुडेटिव एसाइटिस, ठीक है, जिसमें प्रोटीन रिच है। और अगर 11 से कम है, डिक्रीज है 11 से, तो फिर हम उसको ट्रांसुडेटिव एसाइटिस में पेशेंट को लेबल करते हैं, ठीक है। फिर हमें दूसरी चीज जो देखनी होती है जब हम ये एक्सुडेटिव या ट्रांसुडेटिव कहते हैं, वो होता है सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीरम यानी ब्लड लेंगे और ब्लड में पेशेंट के एल्ब्यूमिन के कंटेंट को चेक करेंगे, ठीक है, सपोज ये एल्ब्यूमिन इन ब्लड है या सीरम है, और फिर हम एसाइटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें हम एल्ब्यूमिन को चेक करेंगे, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन इन एसाइटिक फ्लूइड है। अब नॉर्मल अमाउंट में अगर ब्लड में सपोज करते हैं कि 10 है, सपोज करें, ठीक है, 10 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन है, तो अगर पेशेंट को ट्रांसुडेटिव एसाइटिस होंगी, यानी कि वो एसाइटिस जिसमें प्रोटीन बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपके एसाइटिक फ्लूइड में 1 मिलीग्राम हो, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9। लेकिन अब मेरे पास सपोज करते हैं कि ब्लड में उसी तरह 10 है, लेकिन जो आपका एसाइटिक फ्लूइड है वो आपका एक्सुडेटिव इन नेचर है, तो उसमें जाहिर है ज्यादा होगी आपकी प्रोटीन कॉन्टेंट, तो सपोज उसमें 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली हॉल मार्क है ना, दैट इज 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो है, यानी कि अगर आपने एक ट्रांसुडेटिव चीज को लेबल करना है, तो ये जो नेगेटिव मतलब माइनस करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 25 या उससे ज्यादा आनी चाहिए। अगर 25 से ज्यादा का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि एसाइटिक फ्लूइड में एल्ब्यूमिन बहुत थोड़ा है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास जब डिफरेंस ज्यादा था, 9 था, तब हमने कहा था कि एसाइटिक फ्लूइड में एल्ब्यूमिन थोड़ा है, जिसका मतलब है कि ट्रांसुडेटिव इन नेचर है। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंस थोड़ा आया यानी 2 आया, जिसका मतलब है कि अगर 25 से कम हमारा डिफरेंस आएगा तो उसको हम एक्सुडेटिव लेबल करेंगे, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें समझने की, और ये सब एमसीक्यू में आती है, इसे आपने याद रखनी है। तो ये जो इसको लिखते हैं हम साग, सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें बताएगा कि बाद में हमने ट्रीटमेंट में क्या करना है। उसके साथ में जाहिर है आपने जब पैरासेंटेसिस किया तो आप साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ल्यूकोसाइट काउंट चेक करते हैं पेशेंट का कि क्या हिसाब किताब है, कितने व्हाइट सेल्स हैं, कितने नहीं है। अगर आपकी पेरिटोनियल डिजीज है तो आप उसको लैप्रोस्कोपी यानी पूरा वो जो पोर्ट से लैप्रोस्कोप डाल के आपने एग्जामिन करना है, तो आप वो भी पेरिटोनियल कैविटी को कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपने ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस भी एसाइटिक फ्लूइड में चेक करनी होती है। अब इसकी मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि आपका थोड़ा थोड़ा सा डिफर करती है दोनों चीजें। अगर पेशेंट की ट्रांसुडेटिव एसाइटिस है, तो ट्रांसुडेटिव एसाइटिस का मतलब ये है कि पेशेंट में इस वक्त ये वाला सारा सिलसिला हुआ है शुरू, यानी लिवर सिरोसिस वाला। ट्रांसुडेटिव मैंने बताया ना, लिवर सिरोसिस में कार्डिक फेलियर में होती है। तो अगर ट्रांसुडेटिव एसाइटिस है तो मोस्ट प्रॉब्ली लिवर सिरोसिस है, मतलब हम उसको डायग्नोज करेंगे। लेकिन एसाइटिस को मेनली ट्रीट करने के लिए क्या प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, कि आपका एक तो एल्डोस्टेरोन ये सारा कुछ वाटर सॉल्ट रिटेंशन कर रहे, दूसरा यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसको डिक्रीज करने के लिए सबसे मेजर जो तरीका होता है वो ये कि हमने वाटर एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी होती है पेशेंट की। हम कहते हैं पानी भी कम लेगा वो डाइट में, और सोडियम तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि पहले ही सोडियम बहुत ज्यादा कंजर्व हो रहा है बॉडी में और उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। तो जो ट्रांसुडेटिव एसाइटिस है उसमें ये सोडियम एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन का बहुत ज्यादा रोल है, जबकि जो एक्सुडेटिव एसाइटिस है जो कि आपकी मेलिग्नेंसी या इन्फेक्शन से रिलेटेड है, वो तब तक ठीक नहीं होती जब तक आप उसकी पैरासेंटिसिस कर दें एसाइटिस की, मतलब एसाइटिस को आप सारी एस्पिरेट कर लें और आप इन्फेक्शन को या फिर उस मेलिग्नेंसी को ट्रीट करें, क्योंकि उसमें आपकी वेसल में मसला आ रहा है, वेसल की वॉल में मसला आ रहा है, तो इसलिए उसमें आप कुछ और कर नहीं सकते। अच्छा, अभी जो सोडियम एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन है, इसका यही मैंने आपको बता दें, पेशेंट को हम कहते हैं कि उसने सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना, वाटर इनटेक भी बहुत कम कर देनी है। अगर इससे हल ही ठीक नहीं होता, फिर हम साथ पेशेंट को डायरेटिक्स देते हैं। जो आपका स्पायरोनोलैक्टोन है वो आपका खास तौर पर पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा हम लूप डायरेटिक्स फ्यूरोसमाइड वगैरह देते हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये देने पड़ते हैं हमें तब जब हमारे पेशेंट की कंडीशन वैसे बेहतर ना हो रही, तो फिर हम मजीद उसका किडनी से वाटर लॉस करा के वाटर को मजीद कम करते हैं बॉडी में। फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि आपके स्पायरोनोलैक्टोन की मैक्सिमम डोज होती है 400 मिलीग्राम, और जो फ्यूरोसमाइड है लूप डायरेटिक उसकी मैक्सिमम डोज होती है 160 मिलीग्राम। जो इसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते और इस डोज पे भी उन पे फर्क नहीं पड़ता या फिर साइड इफेक्ट ज्यादा आने लग जाते हैं, तो फिर उनके लिए पैरासेंटिसिस होती है। पैरासेंटिसिस में हम सारा फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं बिल्कुल एंड तक, ठीक है, और ये रिपीटेडली करनी पड़ती है जब तक कि आपका फ्लूइड कॉन्टेंट बिल्कुल बनना खत्म ना हो जाए, ठीक है। और अगर पैरासेंटिसिस भी बार बार करनी पड़ी और पेशेंट के लिए बहुत बड़ी न्यूसेंस है, तो फिर आपके पास जो आखिरी यहाँ पर ऑप्शन होती है वो होती है टिप्स की। टिप्स स्टैंड फॉर ट्रांस जगलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टंट शंट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जगलर वेन से जाते हैं, ट्रांस जगलर है,
और क्या करते हैं, इंट्रा हिपैटिक यानी कि लिवर के अंदर जाएंगे और वहां पर जो पोर्टल वेन है जिसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसका सिस्टेमिक वेन से एक शंट बना देंगे, स्टेंटिंग शंट। ठीक है, वो जो शंट हम बनाएंगे, सपोज ये पोर्टल वेन है और यहाँ पर सिस्टेमिक वेसल्स हैं, इनसे शंट नहीं, उससे क्या होगा कि ये जो पोर्टल से सिस्टेमिक में ब्लड शिफ्ट होगा और वो हार्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ताकि आपकी बॉडी की सर्कुलेशन मेंटेन हो और एसआईटीज कम हो। लेकिन ये टिप्स भी परमानेंट नहीं रहती क्योंकि ये पेशेंट का कभी भी क्योर नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ उतने टाइम के लिए हम रख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो भी या तो ट्रीटमेंट पे है, अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो रही है, या फिर अभी उसने ट्रांसप्लांट होना है लिवर का, तो थोड़े से टाइम के लिए चल जाएगी, ये लॉन्ग टर्म नहीं चला करती। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाती है इसकी मैनेजमेंट खत्म। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन का कॉम्प्लिकेशन है हेपेटोरिनल सिंड्रोम आता है जिसपे अलग से पूरी की पूरी आपकी वीडियो बनेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं उसे अलग से बताती हूँ। अभी तक किसी कोई मसला हुआ कि ना, आस्क मी, थैंक यू।